आजाद नहीं जाकर चकोर को छुड़ाना बहुत जरूरी है, मगर कौन सा रास्ता अपना है? मम्मी तो हमें जाने नहीं देगी और अकेले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या करे क्या करे? तुम चकोर की तरह सोचो विमान, अब तक उसे कोई रोक नहीं सका तो तुम कैसे रुक सकते हो? कोई रास्ता होगा आजादगंज जाने का। मिल गया आजादगंज जाने का रास्ता। बड़का भैया, आज हम भी ना बहुत ही खुश हैं। कहें कि आपके रास्ते का कांटा ईश्वर रावत बंद, मतलब कि आपके सभी समस्याओं का संपूर्ण रूप से अंत। अरे कहां मनोहर, कहां समस्याओं का अंत हुआ है? वो बदुआ छोकरी जो है वो हमारे सर का दर्द बनी हुई है। आए दिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करती है, कभी रोटी उठाकर फेंकती है तो कभी जंजीर तोड़ने की कोशिश करती है। एक एक काम कीजिए मनोहर, आप तुरंत आजादगंज आ जाइए। वो जो कानूनी दावपेच है वो हमारे वकील संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हैं, आ जाइए और ये घरेलू जो समस्या है संभाल लेंगे आप, तो हम कम से कम राजनीति की तरफ तो ध्यान दे पाएंगे ना भाई। तो आप हमारी बात समझ रहे हैं ना मनोहर? ठीक है बड़का भैया, जैसी आपकी आज्ञा हम आ जाए आते हैं आजादगंज। अच्छा चलिए, शुभाशीष। किसका फोन था? मनोहर का, हमने उनसे कहा कि तुरंत आजादगंज आ जाइए। ये तो बड़ा अच्छा किया। चाबी हमारे पास नहीं है, भाभी ने कमर छल्ले में लटका के रखी है ताकि ओके पास कोई पहुंच ना सके। चाबी तो हम देख लिए, परिका निकाले कैसे? ए लड़की, तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? अरे ना ना, इस छोकरी को मत डांटिए, मेहनती है, किसी भी काम के लिए कहना नहीं पड़ता है, खुद कर लेती है। लेकिन इसकी वो बहन चकोर, बहुत बहुत ही मक्कार लड़की है, वो बहुत ही मक्कार। ये भूली है, एकदम भूली है। पापा आप कहाँ हैं? हम आपको इतनी देर से फोन लगा रहे हैं। वो तुम्हारे बड़े पापा का फोन आ गया था, उन्हीं से बात कर रहे थे। सब ठीक तो है? सब ठीक है दीवान, हमें दुख तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का हो रहा है कि हम कुछ और दिन आपके साथ रहना चाहते थे, पर हमें आज ही आजादगंज जाना पड़ेगा। विवान? हेलो विवान, हम जानते हैं बेटा कि आपको भी दुख हो रहा है, मगर मेरी मजबूरी है बेटा। पापा हम आपसे अभी मिलना चाहते हैं। हम अभी आते हैं आपके पास। पापा आप नहीं, हम आ रहे हैं। नहीं विवान, हम ऐसा नहीं कर सकते बेटा। आप अपनी मम्मी को तो जानते हो ना, हम पे वैसे ही हमेशा गुस्सा है, और अगर हम तुम्हें लेकर आजादगंज गए तब तो मेरी खैर नहीं। पर उन्हें बताने की जरूरत क्या है पापा?
आजा, जब तुम घर पे जाओगे अपना सामान लेने, पता नहीं चल जाएगा तुम्हारी मम्मी को? जो जो हमें चीजें चाहिए वो सब इस बैग में है। फिर भी रंजना की परमिशन बहुत जरूरी। वो घर पर नहीं है पापा, वो नाना जी के साथ पार्टी की मीटिंग में गई है। अब जो घर पर ही नहीं है उनकी परमिशन कैसे लेंगे पापा? पापा, हमारा लखनऊ में जी नहीं लगता। हमारे दोस्त, हमारी सारी पसंद की चीजें, वो सब आजादगंज में ही तो है ना। ठीक है, हमारा बैग लेकर आए। हम बैग को हाथ भी नहीं लगाने देंगे जब तक आप हमें साथ ले जाने का वादा नहीं करते। अरे बाबा, हम तुम्हें भी आजादगंज लेकर जाएंगे और इस बैग को भी। आप यहां कैसे? आपको किसने बताया कि हम यहां पे? किसके साथ आए हैं आप? हमारे साथ। बाबा, लोग हमें ताना देते हैं कि हम अपने बेटे की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन कोई इन्हें देखिए जो अपने बेटे से बिछड़ने पर कितने बेचैन हो रहे हैं। बाबा, क्या आप इसलिए यहां आए हैं कि हमें यहां से बाहर निकालने के लिए भैया जी के आगे हाथ जोड़ सके? नहीं, हमारा इरादा यह है कि वो हाथ तोड़ दिए जाए जो हमारे सच्चे और सिद्धांतवादी बेटे की तरफ उठ रहे हैं। हाथ जोड़ने और खुशामद करने का वक्त चला गया, अब कमल नारायण को सबक सिखाने का समय आ गया है। क्या? चलो। हम आजादगंज जा रहे हैं तुमको छुड़ाने। चुको अरे खन्ना साहब, जितनी जल्दी आपको है उससे कहीं अधिक जल्दी हमें। जी नहीं नहीं, अरे हमारे तो बिल्डिंग में बन के तैयार है, आप आकर देख सकते हैं। हाँ हाँ, जो भी लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो हम आपको दे देंगे। जी इमली, तुम्हारा ध्यान किधर है? कहाँ जा रही हो? ओ, हम मालकिन का कमरा मजावत है। उका कमरा पहले हम साफ सफाई कर लिए तो उका अच्छा लगी है, पर इतना सारा कमरा है उमा से कौन सा है मालकिन का कमरा?
वो रहा मम्मी का कमरा। आओ हम बताते हैं। हमें बहुत खुशी है बाबा कि आप हमारे साथ आ गए, पर उससे ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि आज तक आप कानून के साथ थे और आज आप इंसाफ के साथ हैं। थोड़ी देर हो गई बेटे, पर क्या करते हैं, जब तक हम हर चीज की जांच पड़ताल नहीं कर लेते किसी फैसले पर नहीं पहुंचते। तो अब क्या फैसला है आपका? हमारा फैसला यह है कि कमल नारायण राजवंशी दोषी है, बहुत गुनाह किए हैं उसने, अब उसे सजा मिलनी चाहिए। जैसे कोर्ट खोलेगा आपकी जमानत हो जाएगी, बस भुवन और उसकी बीवी को मैजिस्ट्रेट के सामने लाना होगा। बाबा वो भुवन और कस्तूरी की तो बात ही मत कीजिए, वो बेचारे बहुत मुसीबत में हैं, और अगर उन्होंने हमारे फेवर में गवाही दी तो उनकी जान भी जा सकती है। फिर आपकी जमानत कैसे होगी? किसी को तो आपके फेवर में गवाही देने के लिए आना ही पड़ेगा। दादाजी अगर चकोर गवाही दे तो? ये कैसे संभव है? चकोर बेचारी, उसे तो बेड़ी में बांधकर पिंजरे में कैद करके रखा गया है, वहां से बाहर निकलकर सांस भी नहीं ले सकती, वो सीतापुर कोर्ट कैसे आएगी? चकोर को भैया जी के कैद से छुड़ाने का मतलब है शेर के जबड़े में हाथ डालकर उसका शिकार छीन लेना। हेलो जी, कौन? अच्छा एक मिनट, आदित्य विवान का फोन। विवान का फोन? इमली बिटिया, ए छोटन, इमली को कहीं देखे हो का? नहीं हम ना देखे। चाची चाची, हमने इमली उका कहीं देखे का? काकी ए सुनो रे, इधर इधर आ गए सब। देखो हवेली के दीवार ढह गई है, तो वो बनाने के लिए 8-10 बेगारी की जरूरत है, तो जो लोग खेत में काम नहीं करते हवेली पहुंचो फटाफट। है ए भुवन, कहा बतिया रहा है वहां? यहाँ यहाँ लाखन भैया, लाखन भैया, आपने अपने हमरी बिटिया इमली को कहीं देखा है का? हाँ देखे हैं, और जानत भी है कि वो कहाँ है? कहाँ है हमरी बिटिया? हवेली माँ। लाखन भैया, ये कहाँ बोले थे लाखन भैया? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम हमरी चकोरिया को वो हवेली माँ छोड़कर आए थे ये सोचकर कि हमरी इमली तो हमरे पास रहेगी यहाँ गाँव माँ, पर वो लोग तो हमरी हमरी इमली को भी वापस ले गए। कैसे लोग ऐसा अनर्थ तो हम पहले ना ही देखे। हम अभी जाते और हवेली वाले से बात करते बस। ए, चुप। अरे भुवन समझा अपनी घरवाली को, कोई तुम्हारी बिटिया को उठा के नहीं ले गया है, वो खुद ही चल के मालकिन के पांव पकड़ के बोलत रही कि मालकिन हमको यहां रहने दो। अरे वहां के पकवान की आदत लग गई है ना, तुम्हारी सूखी रोटी नहीं भात उको। इका कहे तो लाखन भैया सच कहते हैं, खुदा ही चल के देख लो अपनी आंखन से। ए चलो ना, चलो चलो चलो। कौन सा प्रोजेक्ट विमान? अरे वही प्रोजेक्ट जिसमें हमारा और तुम्हारा झगड़ा हुआ था लखनऊ में। तुम्हारे परिवार के लोगों ने चकोर की कलाई पे पहले बंधुआ की मोहर लगाई और अब उसे बेड़ी में जकड़ के पिंजरे के अंदर डाल दिया। अगर वो लोग क्रिमिनल्स नहीं है तो कौन है क्रिमिनल्स? याद आ गया ना? अच्छा हम समझ गए तुम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो। हम दोनों मिलकर वो प्रोजेक्ट कर लेंगे, बाकी की डिटेल हम तुम्हें आजाद गंज पहुँच के बताते हैं, ठीक है? ओके बाय। ये लीजिए पापा। जानते हैं पापा, हम और हमारे क्लासमेट, हम दोनों ने एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट हाथ में लिया है।
वो हम पूरा करेंगे आजादगंज में। इसका मतलब कि हमारा बेटा एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। प्रोजेक्ट फ्री चकोर, अब तो विवान भी आ गया है। चकोर को हम दोनों मिलकर जरूर छुड़ा लेंगे। चकोर छुड़ गई तो पापा भी बाहर निकल आएंगे। पापा, अब हम अपनी छुट्टियां आजादगंज में घूम के थोड़ी ना गुजारेंगे। ले हम एक प्रोजेक्ट ले आए और वो जो हमारा दोस्त है ना, वो हमारी मदद करेगा। बस आपका और बड़े पापा का आशीर्वाद चाहिए। विवान, हम सब का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। आई एम सॉरी पापा, मगर हम आपको सच्चाई नहीं बता सकते। एक हाथ से गंदा करिए, एक हाथ से साफ। एक हाथ से चाबी ली है, एक हाथ से दीदी का छुड़ाई ली है। तू यहाँ क्या कर रही है? मालकिन, हमको माफ कर दियो। किसने तुझे यहाँ भेजा? हम खुद ही आए रे मालकिन, इसी से बहुत गंदा रहा मालकिन, तो हम सोचे कि इका साफ कर दे, तो और देखा बहुत धूल मिटती है माँ। इस लाली को तो हंटर से पीटना चाहिए। इस बच्ची को धूल मिट्टी दिखाई दे रही है और उसे नहीं दिखती है। मैया रे, ओए तो हम कहाँ थे मालकिन? अच्छा मालकिन, हम जावत है। रुको, हमारा कमरा अच्छे से साफ कर दो और हाँ, जरा जल्दी करना, हमें आराम करना। जी मालकिन। पूछेगी थी मम्मी का रूम कहाँ है। तुम हमको बोली थी कि तुम हमारे दोस्त हो, बोली थी कि नहीं? हाँ बोला तो था, फिर से बोल सकते हैं कि तुम हमारी दोस्त हो। तो तुमका हमारी मदद किए का पड़ी है, दीदी को बाहर निकाले का पड़ी है, हमका ये चाबी ले जाई को पड़ी है। हम इस चाबी से उस दरवाजा खोलिए जहाँ दीदी बंद है। क्या हमने इसे कहा कि पहले हमारा कमरा साफ किया करो, मगर ये यहाँ की सफाई करने के लिए आ गई। मम्मी, क्या हम इसे अपने कमरे में ले जा सकते हैं? ठीक है, ले जाओ। थैंक यू मम्मी। चलो। तो हमें समझ में आएगा कि तुम हमारी दोस्त नहीं हो। तो पगला गई हो क्या इमली? मम्मी की एक शिफ्ट पिन गायब हो जाती है ना, तो नौकरों पर हंटर चलते हैं, और अगर चाबी गायब हो गई ना, तो पूरे हवेली को सर पर उठा लेंगी। और चाबी मिल भी गई तो क्या हो जाएगा? अगर तुम्हारी दीदी उस पिंजरे से बाहर भी निकल आई तो हवेली के बाहर कैसे जाएगी? होगा
ये हमें क्यों दिखा रही हो? ये दीदी को बाहर ले जाने का रास्ता है। हम सवेरे सवेरे देख रहे हैं कि वो जो लाली दीदी है ना, वो पोछे का पानी यहाँ ही डाली रही। तो हमरे समझ में आ गया कि ये नाली का मुंह कहीं बाहर खुले में जाई है और हम दीदी को लेकर ये नाले में घुस जाई है और बाहर निकल जाई है। प्लान तो बहुत अच्छा है। का अच्छा है? वही जो तुमने सोचा है, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन इसका मुंह तो बंद है। मुंह में कहाँ है? अभी खुल जाई है। अब क्या करें? इमली, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर इमली, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा ऊपर। देखा, हम क्या बोले रहे? मन में ठान ले, तो सब कुछ हो सकता है। कब हार मत मानियो इमली, कब नहीं। दीदी हमें से बोली रही कि हार न मानियो इमली, कुछ न कुछ रास्ता निकल जाई है। विवान भैया, विवान, ये नाम तो हम पहले भी कहीं सुन रहे। कहा सुना था? इमली, हम विवान से मिले को जा रहे हैं लखनऊ। अच्छा, तो ये है विवान, दीदी का दोस्त। जी चरा। ओहो, आइए आइए आइए। हमारा विवान बेटा है, आ गए आप। अच्छा किया, अच्छा किया। हमने असल मंगवाई थी, सूद भी आ गया। प्रणाम बड़े पापा। अरे जी चलो, जी चलो। प्रणाम बड़ी मम्मी। खुश रहो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेज कैसे दिया हा? असल में बड़की भौजी, विवान को पता चला कि हम आजादगंज वापस आ रहे हैं, तो ये भी जिद करके हमारे साथ ही चला। हम वहाँ लखनऊ में क्या करते? हमारे सारे फेवरेट लोग तो यहाँ हैं, और फिर हमारी छुट्टियाँ भी तो है। ना 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 बेटा, आपने आकर बहुत अच्छा किया। देखिए, रागिनी और सूरज बहुत खुश हो जाएंगे। मनोहर, ये खून है, ये खून है। अच्छा, इसकी इसकी मम्मी ने रोका होगा इसे, है? फिर भी चकमा देकर आ गए तो मम्मी को, है? हाँ बेटा, ये देखो। ना बड़का भैया, ये सब कुछ आप ही के दिए हुए संस्कारों का परिणाम है। अरे ना ना, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ आने का कारण एक और भी है। क्या क्या बेटा? वो लड़की चकोर।